शहर के गांधी मैदान के पास स्थित बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के कार्यालय पर पत्रकारों की एक बैठक की गई। श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के सिवान जिला अध्यक्ष मिथिलेश कुमार सिंह ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहां झंडोत्तोलन का कार्य किया जाना। श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के जिला अध्यक्ष मिथिलेश कुमार सिंह ने जिला के सभी प्रशासनिक पदाधिकारी और बुद्धिजीवी वर्गों से स्वतंत्रता दिवस के दिन श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के जिला कार्यालय पर झंडोत्तोलन के समय उपस्थित होने के लिए अपील भी की। समारोह मनाने के लिए तैयारी बैठक श्रमजीवी पत्रकार भवन में की गई। प्रेस क्लब और श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के तत्वाधान में की गई बैठक में जिले भर से आए कई पत्रकार शामिल हुए। इसमें समारोह को भव्य तरीके से मनाने का निर्णय लिया गया। स्वतंत्रता दिवस पर क्या क्या कार्यक्रम किए जाएंगे प्रेस श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के कार्यालय में? पहले से वहाँ झंडोत्तोलन कार्यक्रम आयोजित होता है और शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों के प्रशासनिक अफसर वरिष्ठ लोगों को आमंत्रित किया जाता है, उन्हें आमंत्रित किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा शहर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होता है। कितने बजे से ये कार्यक्रम किया जाएगा? सुबह 11:20 पर पत्रकार भवन में झंडोत्तोलन कार्यक्रम करने का निर्धारित किया गया। जिले के सभी पत्रकार बंधु व सम्मानित लोगों से आग्रह है कि श्रमजीवी पत्रकार भवन में होने वाले झंडोत्तोलन कार्यक्रम में शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। शहीदों की याद में हिंदू रक्षा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाला गया। इस तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता शामिल हुए। तिरंगा यात्रा में राष्ट्रीय युवा हिंदू संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोस्वामी अनुराग भी शामिल। सम्मान करना मेरा परम कर्तव्य है, इसलिए हम लोगों ने आज तिरंगा यात्रा निकाल करके सिवान के वहां की स्थिति को खत्म कर दिया है और यह तय कर दिया है कि हम देश के लिए, हम राष्ट्र के लिए हम सब एक हैं, हम सभी जाति बिरादरी के लोग एक हैं और राष्ट्र के लिए हम जोश पड़ेगा तो मर मिटेंगे, अपनी जान की कुर्बानी देंगे। सिवान के लाल इंजीनियर यश राज शर्मा और आशीष सिंह के निर्देशन में फिल्म शंकर का शुभ मुहूर्त लखनऊ में संपन्न हुआ। इस सामाजिक भोजपुरी फिल्म में भोजपुरी सुपरस्टार अरविंद अकेला उर्फ कल्लू और अभिनेत्री निधि झा मुख्य भूमिका में है। आपको बता दें कि फिल्म के निर्देशक यश राज शर्मा सिवान शहर के महावीर पथ के निवासी हैं। फिल्म की शूटिंग 10 सितम्बर से शुरू की जाएगी। यश जी आल्सो प्लीज आइएगा, इनके लिए तालियां बजा दीजिए प्लीज। अच्छा, एक-एक करके मैं पहला सवाल पूछना चाहूंगी, क्या-क्या आपने प्लानिंग की है, क्या-क्या आप एक्साइटेड कितने हैं आप? बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है हम लोगों के अंदर। हम लोगों ने पहले से ही सोच रखा था कि जो हमारी मूवी आएगी एकदम अलग होगी भोजपुरी से। जैसे भोजपुरी में आज जो मूवी बन रही है उससे हम लोग बहुत अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग सोचे कि अपनी मूवी शंकर जो मूवी है हम बनारस में ही शूट करें। जी, जैसा कि टाइटल है और भगवान से हम शुरुआत करेंगे। सो यस, आप जो हमें बहुत खूबसूरत दिखाते हैं, जो लोकेशन दिखाते हैं, जिस तरीके से शूट करते हैं, तो मैं आपको हमारे डीओपी जो है, जो कैमरामैन है, उनसे मिलाना चाहूंगी। मिस्टर शहर के शहीद सराय से शहीद ज्योति यात्रा निकाली गई। इस ज्योति यात्रा में 35 सदस्यीय टीम शामिल हुई। ये ज्योति यात्रा जिले के 7 जगहों से शहीद हुए
शहीदों के गांव गई और शहीदों के स्मारक पर उनकी याद में ज्योति जलाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। यात्रियों का भरसक प्रयास है कि सिवान की सरहद में जितने हमारे 42 के अमर शहीद हुए हैं उनके दरवाजे तक जाने का सार्थक प्रयास करें ताकि कल शहीद स्मारक पर भव्य कार्यक्रम होगा, क्योंकि सरकार की उदासीनता के कारण कुछ दिनों से मेरे छोटे छोटे भाइयों ने इस कार्यक्रम को शुरू किया है। मैं इनके लिए आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने 42 के उन जज्बातों को पुनः सिवान की धरती पर एक पैगाम के रूप में देने का जो संदेश काम किया है, इसलिए इन कार्यकर्ताओं के प्रति आभारी हूँ। महात्मा माई जीरादेई सिवान।